से जुड़े 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 संक्रमित दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से बहादुरगढ़ आए थे और बहादुरगढ़ में संक्रमितों का आंकड़ा 53 पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। झज्जर में 64 हो गए हैं कोरोना संक्रमित। प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इस बार जो 3 लोग आए हैं, 5 लोग संक्रमित हुए हैं, उनके बारे में बताइए क्या जानकारी मिल रही है। गौरव, सब्जी मंडी और आजादपुर से जुड़ी हुई जो सब्जी मंडी के दुकानदार और आड़ती हैं, उनके कारण झज्जर जिले का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह भी 8 केस कोरोना पॉजिटिव नोटिफाई किए गए हैं, जिसमें से 5 सब्जी मंडी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और 3 वो केस हैं जो दिल्ली के सुल्तानपुरी से 30 अप्रैल को यहाँ पर लौटे थे और 1 तारीख को इनका सैंपल ले लिया गया था। जिला स्वास्थ्य विभाग के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी से डायरेक्टली जो आजादपुर से लोग जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या पूरे जिले के आंकड़े की बात करें तो 52 ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली सीधे और सब्जी मंडी के संपर्क में हैं और इफेक्टेड हुए हैं कोरोना से। अब क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस वक्त क्या स्ट्रेटजी है? गौरव, जो पहला मामला सामने आया था वो रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से आया था। जब जिला स्वास्थ्य विभाग ने 2 सैंपल सब्जी मंडी से लिए, 2 अनाज मंडी से, 2 पत्रकारों के, 2 प्रशासनिक अधिकारियों के, इस तरीके से रैंडम सैंपलिंग की, तब पहला मामला सामने आया था। उसके बाद मास लेवल पर सैंपलिंग की गई, तकरीबन 1500 के करीब सब्जी विक्रेता और दुकानदारों की सैंपलिंग की है। अब जिला स्वास्थ्य विभाग ने जो मोबाइल एम्बुलेंस सैंपलिंग वैन शुरू बनाई है, 2 टीमें ऐसी गठित करती हैं जो जगह जगह जाकर सैंपल का काम करेंगी। जिले भर के 24 नाकों पर जो चिकित्सकों की टीम बैठाई गई है जो लगातार स्क्रीनिंग कर रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मास लेवल पर जो एग्रेसिव सैंपलिंग की जा रही है, उसी का नतीजा है कि ये मामले सामने आ रहे हैं और इस सैंपलिंग इसलिए जरूरी है ताकि जो भी मामला छुपा हुआ है वो सामने आए और कोरोना को खत्म कर सके। बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका।